नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पिछले कई दिनों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की। दोस्तों कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर की एक टॉपिक थी आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, और समावयवता के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि समावयवता दो तरह की होती है, संरचनात्मक समावयवता फिर त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता हो गई, त्रिविम समावयवता भी हो रही थी, उसमें हम लोग ज्यामिति समावयवता पढ़े थे, और ज्यामिति समावयवता के अंदर पढ़े थे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद पढ़े थे ई और जेड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, और उसके बाद पढ़े थे सिन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, और उसके बाद अब त्रिविम समावयवी में ही या त्रिविम समावयवता में ही हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों आपको नाम से मालूम हो रहा होगा कि यह प्रकाशिक समावयवता है, इसका मतलब है कि यह प्रकाश से संबंधित है। मतलब दोस्तों अगर हम लोग इसको डिफिनीसन अगर इसकी बात करें डिफिनीसन की, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, यानी कि अणु सूत्र समान हो, और उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी एक समान हो। लेकिन दोस्तों बस डिफरेंस क्या है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के या रासायनिक पदार्थों के अणु सूत्र समान हो, उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान हो, लेकिन अगर उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अगर अलग अलग है, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार बदल बदल कर दिखाते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी, और ऐसी समावयवता को कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब दोस्तों आपसे एक देखिए बात करता हूँ जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। जैसे देखिए अगर हम कहें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जैसे कि देखिए अगर आप लैक्टिक एसिड का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप मैलेइक एसिड का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप ग्लिसरल डिहाइड का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप टार्टरिक एसिड का नाम सुने होंगे, या तो आप ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, या तो आप फ्रक्टोज का नाम सुने होंगे, ये सभी ऐसे ही यौगिक हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार बदल बदल कर दिखाते हैं। जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उनको कहते हैं प्रकाशिक समावयवी, यानी कि उन्हें कहते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ध्रुवण घूर्णक यौगिक मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऐसे रासायनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार बदलते हैं, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को समतल ध्रुवित प्रकाश को मोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इस गुण को कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे, जो कि आप अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रकाशिक समावयवता में कौन कौन से उदाहरण आते हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो अलग अलग जो मैं नाम अभी बोल रहा हूँ, चलिए एक बार नाम को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, फिर से बता दूं परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के या रासायनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र समान हो, उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान हो, लेकिन उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, या वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं अथवा बाईं ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक समावयवी, और ऐसी समावयवता को कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें जो अलग अलग नाम आते हैं उनको समझते हैं। जैसे देखिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, किसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, या फिर कहते हैं ध्रुवण, नाम ध्यान से सुनिएगा, ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो दोस्तों आपसे कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो कि आप समझ पाएंगे ध्रुवण घूर्णक यौगिक कौन कौन से हैं। इसका मतलब होता है कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं अथवा बाईं ओर, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ने की क्षमता रखते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यानी कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक। कौन कौन से कंपाउंड है तो देख लीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कक्षा 12 में भी मिलेगा वह है ग्लूकोज, फिर है फ्रक्टोज,
और जो स्पेशली आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनका नाम सुन लीजिए। देखिए जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ध्यान से सुनिएगा, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, ग्लाइसिन को भी रख सकते हैं, ग्लाइसिन, मेंडेलिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, मेंडेलिक अम्ल, वैलेरिक अम्ल, वैलेरिक अम्ल, नाम सुनिए, फार्मूला भी आपको जानना चाहिए, वैलेरिक अम्ल, ठीक है, ETC। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनका मैं नाम आपके सामने रख रहा हूं, और ये सभी क्या कहलाते हैं, ध्रुवण गुणक यौगिक, यानी कि ये सभी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति अपना व्यवहार दर्शाते हैं। मतलब या तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर या तो फिर बाईं ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर ये सभी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट जिसको शॉर्टकट में PPL बोलते हैं, या तो ये PPL को दाईं ओर अथवा बाईं ओर मोड़ेंगे, अगर दाईं ओर मोड़ते हैं, अगर दाईं ओर मतलब कि राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में या फिर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर मोड़ते हैं तब हम इनको कहते हैं दक्षिणावर्त, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिणावर्त ध्रुवण, ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक यौगिक। अगर ये PPL को दाहिने साइड में मोड़ते हैं या राइट साइड में मोड़ते हैं या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोड़ते हैं तब हम उन्हें कहते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है, और इनको शॉर्टकट में डी से दिखाया जाता है, शॉर्टकट में डी से दिखाया जाता है, या तो फिर इनको प्लस सिंबल से या साइन से भी प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सभी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर न मोड़कर बाईं ओर मोड़ते हैं तब हम इन्हें कहेंगे वामावर्त, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, ठीक है, या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं LAEVO, मतलब कि लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, या तो फिर इनको यल से दिखाया जाता है, यल सिंबल से, या तो फिर इनकी वैल्यू को दिखाया जाता है निगेटिव में, या तो इनको माइनस सिंबल से भी प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आता है रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, थोड़ा सा स्पेलिंग मैच करा लीजिएगा, यहाँ पे जेड देखिएगा, जेड ना हो, रेसिमाइजेशन, रेशमीकरण, ठीक है, या रेशमी, रेशमीकरण भी कहते हैं कहीं कहीं, रेशमाइजेशन हम कह रहे हैं, ठीक है। रेशमाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के डी फार्म को और यल फार्म को सेम यूनिट में लेकर के, मतलब कि सेम अमाउंट में लेकर के अगर हम मिक्सचर बना दें तो वह मिक्सचर कहलाता है क्या हमारा, रेशमीकरण या फिर रेसिमाइजेशन, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं, मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं, मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं रेसिमाइजेशन, और जो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, उसे कहते हैं मेजो यौगिक, मेजो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ डी एंड एल फार्म ऑफ केमिकल कंपाउंड इज नोन एज मेजो कंपाउंड, या फिर इसको हम लोग प्लस और माइनस दोनों सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक होता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, ये भी होता है, कभी कभी आपसे पूछ ले जाता है व्हाट डू यू मीन बाई रिजोल्यूशन, मतलब कि रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बताइए, ठीक है। तो देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई मिश्रण है, कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि मेजो कंपाउंड में है, मतलब कि डी और एल फॉर्म दोनों का मिक्स है, ठीक है, तो डी और एल फॉर्म दोनों का मिक्स है, तो हम इन दोनों को जब अलग अलग इनेंसियोमॉर्फ में बांटते हैं, मतलब कि डी कंपाउंड में और एल कंपाउंड में जब अलग अलग करते हैं तब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज आता है काइरलिटी, ठीक है, काइरलिटी आती है, काइरलिटी या काइरल सेंटर बोलते हैं, देखिए काइरलिटी या फिर कहते हैं काइरल सेंटर क्या होता है, काइरल सेंटर क्या होता है, या फिर हम कहते हैं कीरल कार्बन क्या होता है, कीरल कार्बन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, या फिर कहते हैं एसिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्री क्या होती है, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे कार्बन है, ठीक है, कहीं जगह नहीं बच रही है, अगर कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है आपको मालूम होगा, चार वैलेंसी होती है, ठीक है, अगर कार्बन की चारों संयोजकताओं से अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाएं तब उस कार्बन को हम लोग कहते हैं असममित कार्बन, क्या कहेंगे दोस्तों,
असममित कार्बन, या इसी का नाम सुन लीजिए, यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसी को कहेंगे हम काइरल कार्बन, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं काइरलिटी, क्या कहते हैं काइरलिटी, या दोस्तों इसी कार्बन को तब हम कहेंगे काइरल सेंटर, क्या कहेंगे काइरल सेंटर, या इसका दूसरा नाम जो आपसे पूछा जाता है आप कभी नहीं सुनते हैं उसका नाम मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना ये सभी पूछे जाते हैं और ये सभी का केवल एक ही आंसर है, यही है दोस्तों। क्या है वो फिर से बता दूं, जब कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब कि परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाते हैं, तब इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं काइरलिटी, ठीक है। और ऐसे कार्बन को जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं से अलग अलग तरह के परमाणु समूह जुड़े हैं उस कार्बन को हम लोग कहेंगे काइरल कार्बन, काइरल कार्बन, काइरल कार्बन। और इस तरह के सेंटर को हम कहेंगे काइरल सेंटर, ठीक है, या इसी सेंटर को, या इसी काइरल सेंटर को हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं एसिमेट्री, या असममित कार्बन भी कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पर CH3 जुड़ गया, यहाँ पर COOH जुड़ गया, यहाँ पर OH जुड़ गया, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, आप सुने होंगे लैक्टिक एसिड जो कि दूध में पाया जाता है, ये उसी कंपाउंड का आपका फार्मूला है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो कार्बन है ना इसी कार्बन को हम लोग स्टार से दिखाते हैं और यही क्या होता है काइरल सेंटर होता है या काइरल कार्बन होता है, ठीक है। चलिए आइए हम समझते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स में अलग अलग तरह की किस तरह से डी और किस तरह से यल फॉर्म आता है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी डी एंड यल सिस्टम ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। हम चलते हैं, क्या करेंगे हेडिंग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे डी और यल फॉर्म को समझेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए उसमें किसी भी यौगिक को आप डी और यल फॉर्म में किस तरह से बांट सकते हैं उसके लिए एक आपको स्टैंडर्ड दिया गया है, मतलब कि उस स्टैंडर्ड कंपाउंड का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, क्या नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। और उस ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर ही हम किसी भी कंपाउंड को डिसाइड कर पाते हैं कि वह डी फॉर्म का है या यल फॉर्म का है। दोस्तों ग्लिसरल्डिहाइड में भी कार्बन है, कार्बन बीच में आएगा और उसकी चारों संयोजकताओं से अलग अलग समूह जुड़े रहेंगे, जैसा कि आपके सामने अभी मैं रखूंगा। जैसे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन की चार संयोजकता है, चारों संयोजकताओं में से यहाँ पर OH ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, केवल H ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लीजिए यहाँ पर ले लीजिए COOH ले लीजिए, एल्डिहाइड है ना, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड समूह लेना पड़ेगा, और वही ग्लिसरिक अम्ल होता तो यहाँ पर आपको COOH लेना पड़ता, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH2OH, ये क्या है ग्लिसरल्डिहाइड है, क्या है दोस्तों ग्लिसरल्डिहाइड है। अब देखिए ये वाला OH अगर आप इधर से देखेंगे तो किधर है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब कि राइट साइड है, राइट साइड है, तब हम इसको कहेंगे डी फॉर्म, या आप कहेंगे इसको प्लस फॉर्म से दिखाएंगे, ठीक है। अगर यही OH इधर आ जाए और इधर केवल H आ जाए तब यह डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा तब क्या यल फॉर्म, या फिर हम इसको माइनस सिंबल से दिखा सकते हैं और वो भी स्मॉल यल स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे डी एंड यल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। एक बार लैक्टिक एसिड का देखेंगे डी और यल फॉर्म और दूसरी बार देखेंगे टार्टरिक एसिड का डी और यल फॉर्म। दोस्तों इसके बाद एक और सिस्टम है नॉमनक्लेचर का आर और यस सिस्टम, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आर और यस सिस्टम का जो नॉमनक्लेचर है इसको सबसे पहली बार किसने प्रपोज किया था। तो उस तीनों साइंटिस्टों का नाम है देखिए कैन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, देखिए CAHN कैन इनगोल्ड, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, ये तीन साइंटिस्ट हैं और तीनों साइंटिस्टों ने मिल करके आर और यस सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर को डिफाइन किया था। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आर और यस सिस्टम पे भी एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि आप अभी 11वीं में अगर हैं तब तो आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप BSc में हैं तब आपको बहुत ही डिटेल से इन सभी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं एग्जांपल, लैक्टिक एसिड को लेंगे और उसके डी और यल फॉर्म को देखेंगे। तो आइए चलते थोड़ा सा समझेंगे PPL क्या है। जैसा कि आप प्रकाशिक समानता पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है PPL, सारी बात PPL पे आके रुक जाएगी। तो PPL को समझ लेते हैं क्या है। देखिए PPL
पीपीएल का पूरा नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं समतल समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं जो आपकी साधारण लाइट होती है ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये मान लीजिए आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, इधर ये क्या है आपका साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश की किरणें हैं। इसको हम क्या करते हैं, किसी निकोल प्रिज्म में डाल देते हैं, ठीक है, किसी निकोल प्रिज्म में, या इसको पोलेराइड कहते हैं, निकोल प्रिज्म, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। तो इससे पास होने के बाद जो भी हमको लाइट मिलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब पीपीएल कहते हैं शॉर्ट में। और जब हम प्रकाशिक समानता पढ़ते हैं तो कोई भी यौगिक इसी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर मोड़ता है या तो बाईं ओर मोड़ता है। जब कोई भी रासायनिक यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर मोड़ेगा, मतलब कि राइट साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेगा, तब हम इसको कहेंगे डी फॉर्म। क्या कहेंगे, डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड मतलब कि दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक। अगर कोई भी रासायनिक यौगिक इस पीपीएल को पीपीएल के तल को वामावर्त साइड में मोड़ेगा या लेफ्ट साइड में मोड़ेगा, तब हम उसे कहेंगे वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, मतलब कि लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, एक तरफ लैक्टिक एसिड है और एक तरफ टार्टरिक अम्ल है। दोस्तों आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, ठीक है। और ये टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है, आपको मालूम है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रखिए टार्टरिक अम्ल, और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ये भी पूछा जा सकता है कि दूध किस अम्ल के उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड की ये संरचना है, ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें OH किस साइड में है, इस तरह से है, मतलब कि राइट साइड में है। और किस तरह, किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तब ये अगर राइट साइड में होगा तो डी फॉर होता है डेक्स्टर, मतलब कि डेक्स्ट्रो मतलब ही राइट साइड होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कह देंगे कि डी लैक्टिक अम्ल, ठीक है, डी लैक्टिक एसिड, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड, या फिर और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। और इसमें देखिए किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब हम इसको क्या कहेंगे, येलो लैक्टिक एसिड, या इसकी वैल्यू होती है माइनस, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस लैक्टिक एसिड, या फिर यल का फुल फॉर्म होता है क्या दोस्तों, लीवो रोटेटरी कंपाउंड लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लीवो लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टार्टरिक एसिड की अगर संरचना हम लोग बनाएं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर किसकी संरचना है, टार्टरिक एसिड की, यही है टार्टरिक एसिड। लेकिन दोस्तों यह तीन तरह से होगा, या तो देखिए प्लस में होगा, या तो ये प्लस में होगा, या डी फॉर्म होगा, या डेक्स्ट्रो फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस पहले OH को देखेंगे, ये किस साइड में है, इस साइड में है। अगर हम इसको थोड़ी से इसी तरह से और घुमाएं, तो देखिए यहाँ पे ये OH इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब ये कौन सा फॉर्म होगा, डी फॉर्म होगा, या इसी को हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, या इसी को हम कह सकते हैं प्लस टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इनको जब देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए पहला OH जो पहले कार्बन से इधर जुड़ा है, मतलब वो किस साइड में है, वो लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसी तरह से थोड़ा सा और आते रहें ऐसे, तो ये वाला किधर है, ये भी लेफ्ट साइड में है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, यल फार्माप टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, एक आपसे और टॉपिक पूछी जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर आप समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहीं पे हम सुधार करेंगे उनको। देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हटा दें, ठीक है, ये हटा दें, और यहाँ पर केवल यच रहे, जैसे ऊपर है वैसे यहाँ भी यच रहे, और यहाँ पर जैसे OH है उसी तरह से यहाँ भी OH हो जाए,
ठीक है। और हम यहाँ से इस कंपाउंड को, मतलब यहाँ पर हम क्या कर दें, थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दें या कोई पार्टीशन डाल दें, और उसके बाद जिस तरह उधर आपको दिख रहा है उसी तरह से नीचे का पार्ट दिख रहा है, जिस तरह से ऊपर का पार्ट दिख रहा है उसी तरह से नीचे का पार्ट दिख रहा है, अगर हम इसको उस पर रखें तो ये कंपाउंड पूरा जाके ऊपर वाले को ढक लेगा। तब हम इन दोनों को कहेंगे इनेंसियोमॉर्फ। क्या बोलेंगे? इनेंसियोमॉर्फ, मतलब कि इनेंसियोमॉर्फ। और दोस्तों उसके बाद ये जो प्लेन है ना, इसी को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ये डी वाला और एल वाले दोनों को एक साथ मिला दें, ठीक है, तो जो मिश्रण बनेगा ना उसे हम कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। और यह प्रोसेस, मिलाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। ठीक है, और अगर इस मिश्रण में से हम लोग डी और एल दोनों पार्ट को अलग अलग कर लें तो उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक कंपाउंड और लेते हैं जो कि आपको कक्षा 12 में बड़े ही डिटेल तरीके से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वह है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में भी डी और एल फॉर्म को समझते हैं, उसके बाद यह टॉपिक एंड होगी। और उसके बाद हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद एल्केन को पढ़ेंगे, एल्किन को पढ़ेंगे, बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, उनके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उनके बाद उनका उपयोग पढ़ेंगे, फिर बाद में बचेगा एल्काइन, उसको भी पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब कि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए यही निवेदन करूंगा आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको हर लेसन की वीडियो अवेलेबल है, मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं ग्लूकोज की तरफ, ग्लूकोज के डी और एल फॉर्म को देखेंगे। अब हम ग्लूकोज के बारे में समझेंगे, क्या समझेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किस में समझेंगे? ग्लूकोज में, मतलब कि उसके डी और एल रूपों को देखेंगे। ठीक है, मतलब कि प्लस और माइनस रूपों को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि ग्लूकोज में आप देख रहे हैं छः कार्बन है, तो सबसे पहले आप छः कार्बन की लंबी चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है, तो ध्यान दीजिए हम एल्डिहाइड समूह के आधार पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं एल्डिहाइड समूह, मतलब कि CHO। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। ये कैसे आया? जैसे कि आप जान रहे हैं जब हम लोग IUPAC पढ़े थे तो उसमें क्रियात्मक समूहों का एक ग्रुप पढ़े थे, मतलब कि जिसमें सभी क्रियात्मक समूहों को एक साथ रख करके पढ़े थे, और ये समझे थे कि कौन किस श्रेणी का है, और अगर एल्डिहाइड समूह आ रहा है इस तरह दिखा रहे हैं तो इसके अनुलग्न का क्या नाम होगा, पूर्वलग्न का क्या नाम होगा। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स सब का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए एल्डिहाइड समूह हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये CHO, मतलब कि एल्डिहाइड समूह है, इसको हम लोग कार्बोनिल समूह भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने को कार्बोनिल, और ये अगर एच भी लग जाए तो एल्डिहाइड समूह। ठीक है, ये देखिए पहला वाला OH मायने रखता है, ये किस साइड में है ये भी मायने रखता है, अगर ये राइट साइड में है तो ये डी फॉर्म का होगा, अगर ये लेफ्ट साइड में है तब ये एल फॉर्म का होगा, यही याद रखना आपको। ठीक है, ये OH हो गया, इधर एच हो जाता है, इधर एच हो जाता है, इधर OH हो जाता है, इधर देखिए OH, इधर देखिए OH, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब इनको आप गिनेंगे तो आपको आएगा C6H12O6 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसी तरह का और बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, मतलब कि ये सबसे पहले ऊपर जो है CHO लिख देते हैं, इसको छः कार्बन की लंबी चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर इस तरह करने के बाद भी हम इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए पहला वाला H आ गया, इधर इधर क्या हो गया OH आ गया, इधर क्या हो गया OH, इधर क्या आ गया H आ गया, इधर क्या हो गया H हो गया, इधर क्या हो गया OH, इधर H, इधर OH, और इधर आपका CH2OH ही रहेगा। ठीक है, गिनेंगे तो आपको इस फार्मूला पे आ जाएगा, ठीक है, मैच हो जाएगा। देखिए पहले वाले OH को इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट साइड है, इसको देखेंगे पहला वाला OH तो ये आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये राइट साइड में है। पहले वाले को देखेंगे भले से ये कहीं भी रहे, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो इससे मतलब नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो इससे मतलब नहीं है, पहला वाला देखेंगे, पहला वाला ये जो कार्बन है ना ये सिमेट्रिक कार्बन होगा कि एसिमेट्रिक कार्बन होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन के चारों संयोजकताओं से अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणु समूह जुड़े हैं, तब हम इसको कह सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी स्टार वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब दोस्तों ये राइट साइड में है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज लिखेंगे। ठीक है, या फिर लिखेंगे आर करके प्लस ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यल ग्लूकोज। ठीक है,
एल ग्लूकोज या फिर यहाँ पे कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे माइनस ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, या लीवो ग्लूकोज लिख सकते हैं, यहाँ पे डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो देखिए हम बोले थे आपसे आर और यस नॉमनक्लेचर समझने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा उसको। जैसे देखिए आपका ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, अभी कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन की चारों संयोजकताओं से कुछ ना कुछ लोगों को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए सी एस थ्री जोड़ दिया, ठीक है, ओ एच जोड़ दिया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सी डबल ओ एच जोड़ दिया, चलिए चेंज कर देते थोड़ा सा, यहाँ पे ओ एच कर देते हैं, यहाँ पे सी एस थ्री कर देते हैं, और यहाँ पे एच कर देते हैं। ठीक है, और जब कार्बन की चार संयोजकताओं से कुछ लोग जुड़ते हैं या परमाणु समूह जुड़ते हैं, तो एक्चुअल में वो कैसी होती है, वो होती है चतुष्फलकी। अगर चतुष्फलकी ये संरचना होगी तब हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, दोस्तों कैसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आपका क्या हो गया, ओ एच मान लेते हैं, ये क्या हो गया, सी डबल ओ एच हो गया, ये क्या हो गया, सी एच थ्री हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको आर और यस सिस्टम समझना है आपको, आर और यस सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, आर एंड यस सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, तब आपको क्या करना है, एक नई ही टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझना होगा आपको। तब हम क्या करते हैं, देखिए इसको 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 और इसको चारों लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेवल का होगा या प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा उसको एक नंबर देंगे। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसको एक नंबर देते हैं। फिर इसकी प्रायोरिटी आती है दो नंबर, इसकी प्रायोरिटी आती है तीन नंबर, और इसकी प्रायोरिटी आती है चार नंबर। अब इसको हम अपनी आँखों से देखेंगे, किधर से देखेंगे, एक नंबर से देखेंगे किधर की तरफ, दोस्तों दो तीन चार की तरफ, एक दो तीन चार को देखेंगे, और हमारी नज़र देखिए क्लॉकवाइज घूम रही कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि दाहिने साइड घूम रही कि बाएं साइड। तो हमारी आंख कैसे घूमेगी, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड घूमेगी तो हम इसको कहेंगे यस, यस सिस्टम, मतलब ये जो भी कंपाउंड है यस आगे कंपाउंड का नाम लिख देंगे। ठीक है, यस मतलब होता है क्या, यस मतलब होता है, देखिए आर मतलब होता है, क्या देखिए, राइट। ठीक है, राइट, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज। यस मतलब होता है, देखिए इसका कुछ दूसरा नाम है लेकिन याद नहीं आ रहा अभी, तो इसको हम कह सकते हैं यस मतलब हो गया लेफ्ट। ठीक है, सिनिस्टर कुछ होता करके, सिनिस्टर करके होता है। ठीक है, और आर फॉर रेक्टस होता, हाँ देखिए याद आया, आर फॉर रेक्टस, रेक्टस मतलब होता है राइट, और यस फॉर होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हमारी नज़रें बाएं साइड से घूम रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो हम इसको कहेंगे एस कंपाउंड। अगर ये लैक्टिक एसिड है तो हम इसको कहेंगे यस लैक्टिक एसिड। अगर हमारी नज़र इधर से इधर की तरफ घूमती तब हम उसको कहते क्या, आर लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों इस तरह से पूरी समायोजकता खत्म हो गई। ठीक है, तो हम लोग इसमें लगभग इस कार्बनिक रसायन में लगभग तीन लेसन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे पार्ट में कवर हुआ है सब कुछ, और उसके बाद ये आपकी आइसोमेरिज्म भी खत्म हो गई। तो जैसा कि मैं पहले वादा किया था कि इस पूरे लेसन को हम लोग अलग अलग पार्ट में करके पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़े भी, और आज ये खत्म हो रहा है समायोजकता के साथ। तो दोस्तों अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें एल्केन, एल्काइन आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किए तो शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।